जब से हो संभाला है कि मोदी जी हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो मैं धन्यवाद तो तहे दिल से कहना चाहती हूँ। और वह मेरे माता पिता से भी बड़े हैं, और हमारी सिर्फ यही तमन्ना है कि हमारे जो परिवार पीछे छूट गए हैं वह हिंदू हैं, उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पे लाया जाए। अगर आपको नागरिकता मिलेगी तो आपको क्या कैसे लग रहा है? जी, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें नागरिकता मिल जाएगी और हम हिंदुस्तान के ही हो जाएंगे। सर, जब मैं छोटी सी थी तो मेरी मम्मी तो नहीं पढ़ी, नानी भी नहीं पढ़ी, दादी भी नहीं पढ़ी, पर मम्मी ने कहा कि तू पढ़ेगी, तो मुझे वहाँ पे एडमिशन दिलाने के लिए गए थे, तो मेरा एडमिशन भी हो चुका था। कौन सी क्लास में बेटा? सर, नर्सरी में मेरा एडमिशन वहाँ हुआ था। पर मैं जैसे ही क्लास में गई थी तो जैसे कि यहाँ राष्ट्रीय गान होता है तो वहाँ पे कलमा पढ़ा है। सर, दो बारी गई तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं तो हिंदू और कलमा मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए मैं दोबारा वहाँ नहीं गई। मम्मी ने कहा कि जा, पर मैं नहीं गई। मैंने कहा मैं हिंदू हूँ, मैं कलमा कभी नहीं पढ़ूँगी। अच्छा, तो अभी आप यहाँ, आप तब उसके बाद आप यहाँ हिंदुस्तान आ गए? हाँ, तब की फिर मैं पढ़ी नहीं थी, फिर हिंदुस्तान आई हूँ, तभी मैंने एडमिशन यहाँ लिया। जब कलमा पढ़ने के लिए बोला जाता है तो वहाँ पे और कितने बच्चे थे जो हिंदुस्तान के, और जो हिंदू थे और कितने बच्चे थे वहाँ? सर, वहाँ तो बहुत हिंदू भी थे, पर वो पढ़ लेते थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। सर, मैं पहली बार गई थी तो मुझे बहुत दिक्कत आई थी। वो लोग भी क्या, वो बच्चे भी मजबूरी में पढ़ रहे थे कि या जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा था उनको? सर, वो भी मजबूरी में पढ़ रहे थे, पर विद्या तो उन्हें लेना जरूरी था, इसीलिए वह पढ़ रहे थे। पर मुझे भी चाहिए थी, पर मैं अपने घर पे ही, मेरी मम्मी ने मुझे किताब ला के दिया था, उल्टा सीधा निशान लगाना मैं सीख गई थी। अच्छा, घर पे ही मैं पढ़ी थी, दोबारा स्कूल नहीं गई थी। दोबारा नहीं गई, और उसके बाद तुम वापस हिंदुस्तान आ गई? जी हाँ, और मैं हिंदुस्तान में आते ही मेरा एडमिशन कर लिया था, पर हमें बहुत दिक्कत आई कि हमारा आधार कार्ड नहीं था और हमें स्कूल में एडमिशन ज़्यादातर नहीं मिल रहा था। तो सर, मैं खुद गई थी, आधार कार्ड निकलवाया था, मेरा बैंक खाता खुलवाया था, तो सर मुझे बहुत दिक्कत हुई। कह रहे थे कि तुम्हारी पहचान क्या है कि तुम हिंदुस्तान में हो और हिंदुस्तानी ही हो, तुम्हारी पहचान क्या है? तो सर, हमें नागरिकता लेना ही ज़रूरी है। अब मेरी बहन अब 5वीं में है, वह 6ठी में नहीं जा सकती क्योंकि उसका बैंक खाता खुला नहीं है। बैंक खाता खुलवाने के लिए सिर्फ वह पहचान पत्र मांग रहे, जो हमारे पास है नहीं, आधार कार्ड। और आधार कार्ड खुलवाने के लिए भी हमें नागरिकता मिलनी ज़रूरी है। आपका आधार कार्ड है? सर, वो तो हमने निकलवाया था क्योंकि बड़ी मुश्किल से मुझे पढ़ना ही पढ़ना था, और बड़ी उम्र होने जाने पर हमारा यहाँ पे दाखिला भी नहीं होने वाला था, इसीलिए मैंने चोरी छुपे ही खुलवाया था। तो आप कौन सी क्लास में अभी? अभी मैं 7th में हूँ। 7th में, तो अब जब ये नागरिकता मिल जाएगी तो आपको, आप यहाँ के निवासी बन जाएंगी, आप तब फिर हिंदुस्तान में रह करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, हायर एजुकेशन लेंगे, तो क्या क्या ख्वाब है आपका, आप आगे जाके क्या बनेंगे? सर, मैं आगे जाके एक अध्यापक बनना चाहती हूँ। हाँ, और क्योंकि जो मेरे भाई बहन वो पाकिस्तान में है, हिंदू हैं, उन्हें भी मैं पढ़ाना चाहती हूँ, जैसे मैं आई हूँ वैसे उन्हें भी लेके आना चाहती हूँ और विद्या देना चाहती हूँ। तो उनसे बात होती है आपकी, जो वहाँ पे और भाई बहन है, और बात होती है उनसे आप लोगों? हाँ, होती तो है, पर कभी कभार तो पैसे नहीं होते उनके पास फ़ोन में, और कभी तो वहाँ पे चोरियाँ बहुत होती है, फ़ोन नहीं रखने देते ज़्यादातर। अच्छा, कुछ तो कुछ कहीं क्या आना चाहते हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं? सर, वो तो बहुत परेशान है, वह बहुत दिक्कत में है, बहुत तो सारे हमारे डेट उनसे बड़ी, आपसे बड़ी होंगी वो लोग वहाँ पे, तो उनको असुरक्षित महसूस होता है वहाँ पे, कि वो उनको दिक्कत तो नहीं होती वहाँ पे, और सुरक्षा तो नहीं लगती है वहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे अपने स्कूल जाते हैं, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे क्या लगता है उनको, कुछ लगता है लड़कियों? सर, वहाँ तो एक बात है कि वहाँ पे लड़की तो बाहर निकलती ही नहीं है, दूसरी बात लड़के भी जाते हैं वह डर के जाते हैं कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, इसीलिए वहाँ की कोई लड़कियाँ बाहर ही नहीं जाती, और वह इतना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि वो चैन से सांस भी नहीं ले पा रहे,
मैं रह के आई हूँ, मुझे भी पता है कि कैसा वहाँ महसूस होता है। अब मैं यहाँ से मार्केट भी जा सकती हूँ, रात को भी आ सकती हूँ, मुझे सुरक्षित हूँ क्योंकि मैं और अपने देश में हूँ और हिंदू हूँ मैं। वहाँ तो कभी भी नहीं गई थी मैं, एक ही बार गई थी जो स्कूल बाहर निकल के, मैं घर पे ही रही हूँ। तो अब आपको जब नागरिकता मिल जाएगी तो आपको सुविधा हो जाएगी कॉलेज जाने के लिए और बड़ी हायर एजुकेशन के लिए, अच्छा हो जाएगा आपको। आपको ये इच्छा है कि आपको नागरिकता मिले, आपको जो है आधार कार्ड मिले और आपका जो है पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट मिले, ताकि वो आप बहुत बड़ी ऊंची परीक्षा, ऊंची क्लास में जो है दाखिला ले सकें हैं। जी हाँ सर, मेरा तो यही ख्वाब है कि हमें जल्दी से जल्दी हमें नागरिकता मिल जाए और हम यहाँ के हो जाएँ। इसीलिए मुझे पढ़ाई करना ज़रूरी है, तो सब पढ़ाई भी कर रहे हैं और आगे जाने का भी तमन्ना है, वो पूरी करेंगे। तो प्रधानमंत्री जो मन की बात करते हैं, कभी सुनते हैं आप रेडियो पे मन की बात? जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, बच्चियों के से बात करते हैं, बालिकाओं से बात करते हैं, और वो उनके कभी मन की बात आपने सुनी है? वो क्या बोलते हैं, मन की बात सुनी? सर एक बार तो स्कूल की तरफ से, जैसे 15 अगस्त हुआ था तो 15 दिनों के लिए स्कूल की तरफ से जाते हैं बच्चे, तो मैंने भी भाग लिया था और मैं भी गई थी। पर सर सिर्फ इतना फ़र्क था कि मोदी जी तो सामने ही थे, पर बच्चों की भीड़ होने के कारण मैं कुछ भी कह नहीं पाई। हाथ मिला के ही आई हूँ पर कुछ कह नहीं पाई। अच्छा। क्योंकि बहुत भीड़ थी। अच्छा, 15 अगस्त भी आपने हाथ मिलाया प्रधानमंत्री? जी हाँ जी, मेरे हाथ में लेटर भी था कि मैं उन्हें देने ही वाली थी, पर बच्चों के कारण मैं पीछे चली गई थी और धक्का मुक्की हो गई थी। तो अभी भी आप अपना जो लिख के उनको भेज सकते हैं, जो वो जो है ट्विटर पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं, आप लिख दे सकते हैं या एक चिट्ठी भेज दो उनको, वो तो बात करना चाहते हैं बच्चों से। कैसे लगता है अपने देश के प्रधानमंत्री को, क्या कैसे लगते हैं आपको? सर जी उनको मैंने पहली बार देखा था तो मेरी आँखें भर गई थी और मैं रोने लग गई थी, अब भी रोने ही आ रहा है। तो अब क्या किस तरह से धन्यवाद करोगे आप, क्योंकि वही उन्हीं की सरकार ये सब बिल लेके आ रहे हैं, उन्होंने आप लोगों की जो है समस्या देखा है। तो सर इतना देर हो गया तो हुई नहीं थी हमारी कुछ भी, पर मोदी आए हैं, जब से हों संभाला है कि मोदी जी हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो मैं धन्यवाद तो तहे दिल से कहना चाहती हूँ। और वह मेरे माता पिता से भी बड़े हैं और हमारी सिर्फ यही तमन्ना है कि हमारे जो परिवार पीछे छूट गए हैं वह हिंदू हैं, उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पे लाया जाए। वो अपने देश के, अब आपका ये देश है, ये इन देश के जो पार्लियामेंट में, जो आपने देखा होगा लोकसभा में, राज्यसभा में जो प्रतिनिधि होते हैं, हमारे देश के नेता होते हैं, उनको किस तरह से आप किस तरह से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जैसे कि आप इतने पीड़ित रहे हैं तो जो कि आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाए, आप किस तरह से उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो कि सब लोग जो है उसको धन्यवाद से पास कर देंगे इस बिल को, जो कि इतने पीड़ित लोगों को जो है फेवर में आ रहा है? सर मैं तो हाथ जोड़ के उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हमारे लिए नागरिकता देना चाहते हैं, पर हमें जल्द से जल्द मिल जाए यह मेरी प्रार्थना है उनसे। और वह मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं हमारे पूरे परिवार के लिए, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ताराचंद नाम। ताराचंद जी क्या लग रहा है आपको, अब जो लगातार ये सिक्के आपने जो लगा रखे हैं, ये भारत के अलग अलग सिक्के, इनका क्या तात्पर्य है, ये अलग अलग के क्या, ये क्या, ये तो अपना काम भी कारोबार भी मेरा ये भारत के अंदर, मैं यहाँ पे और मैं आया हूँ और बहुत फैन भी हूँ यहाँ भारत पूरा देश का, और भाइयों का भी फैन हूँ मैं भारत भाइयों को। आप क्या करते हैं वैसे? ये मोबाइल सामान बेचते हैं हम जो, हाँ मैं तो उधर रहता हूँ देहरादून, यहाँ पे भी करता हूँ काम, 10-15 दिन में चला आता हूँ, चल आज ऐसे काम है मेरा। और यहाँ पे बहुत बढ़िया हमें लगा भारत नरेंद्र मोदी आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिक्कत होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अब जो बिल पास होगा, जो बिल आ रहा है नागरिकता संशोधन जो बिल आ रहा है, तो उसमें आपको नागरिकता मिल जाएगी, तो आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, आपको यहाँ की परमानेंट नागरिकता मिल जाएगी। तो आप किस तरह से धन्यवाद करना चाहोगे और क्या इस बिल के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो कहता हूँ भारत हिंदू नरेंद्र मोदी सरकार, मेरे भाइयों तुम्हारी जय जयकार, भारत हिंदू नरेंद्र मोदी अपने देश के लिए करेंगे, अच्छा ही करेंगे,
भारत हिंदू नरेंद्र मोदी सरकार सच्ची सरकार। जय गणेश देवा करो माता पिताई करो सेवाए, भगवान जिंदगी देने वाले वो तेरा एहसान। जब तक सूरज चांद रहेगा भगवान आपका नाम रहेगा, जब तक भगवान जी रहेंगे भारत हिंदू हिंदुस्तान रहेगा। क्योंकि भगवान जिंदगी देता है तो हिंदू ही देता है, माँ के पेट से निकलता है तो हिंदू ही निकलता है। क्योंकि हम हिंदू है तो अपने भारत देश में आए, अपने अपनों को छोड़ के अपनों के पास आए। क्योंकि हमारी बहुत उम्मीद है, हम किसान हैं, हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। क्योंकि भारत हिंदू नरेंद्र